अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार तड़के वाली मूंग मसूर की दाल। उसके लिए मैंने एक कप मूंग की दाल और एक कप मसूर की दाल दोनों को मिक्स करके एक से दो घंटे के लिए भिगो लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए हाफ कप ऑयल, एक अदद टमाटर, 2 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सबसे पहले पतीले में डालेंगे 2 गिलास पानी। इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक पेस्ट, 1/2 लहसुन, 1 टेबल स्पून। बाकी 1 टेबल स्पून हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। टमाटर, अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे मूंग मसूर की दाल। इसको अच्छी तरह मिक्स करके दम वाली आंच पे ढककर आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, आधा घंटा गुजर चुका है। दाल गल गई है, अब हम इसको चम्मच से थोड़ा मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर। इसको मिक्स करके अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और हरा धनिया। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक कर उतार कर एक तरफ रख देंगे। तड़के के लिए हम एक पैन में डालेंगे 1/2 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम दाल के ऊपर डाल देंगे। और इसको ढक कर 10 मिनट रख देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। तड़के वाली मूंग मसूर की दाल तैयार है। इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।